नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आप सभी का स्वागत करती हूँ कलर्स ऑफ किचन में। दोस्तों, रमजान के लिए आज मैंने एक स्पेशल स्नैक्स बनाया है जो कि बस आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा बनाने में। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए बहुत ही कम सामान चाहिए हमें और बहुत ही सिंपल, जो सभी के घर में आराम से मिल जाता है। तो ये है 6 उबले हुए आलू, जिसे मैंने पंखे के नीचे रख के थोड़ा सुखा लिया था और अब इन्हें अच्छे से मैंने मैश कर लिया है, जैसे कि इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं बचे। आप चाहे तो इन्हें ग्रेट कर लीजिए और उसके बाद मैश कीजिए ताकि इसमें गुठली नहीं रहे। तो इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 छोटा चम्मच काला मिर्च का पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यह है नमक 1/2 चम्मच, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ओरेगैनो, जो कि पिज़्ज़ा में डाला जाता है, तो अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। और यह है लाल मिर्च कूटा हुआ, और ये 1/2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है। तो ये कूटा हुआ लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता, बहुत अच्छा टेस्ट भी लाता है। और यह है 1/4 चम्मच अजवाइन, जिसे मैं इस तरह से रगड़ कर ऐड कर रही हूँ ताकि ये क्रश हो जाए अच्छे से। अगर आप ज़्यादा तीखा चाहते हैं तो इसमें कुछ हरे मिर्च बारीक काट कर डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। मगर बच्चे अगर खाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से कम तीखा डालिए, उनकी सेहत के लिए अच्छा रहता है। और यह है 1 प्याज बारीक कटा हुआ और कुछ धनिया पत्ता बिल्कुल बारीक कटा हुआ। तो अगर आप चाहें तो प्याज को चॉपर में चॉप करके ले सकते हैं ताकि वो बारीक कट जाए बिल्कुल आसानी से, और चाकू से काट रहे हैं तो बिल्कुल पतले पतले काटिए। और इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है सभी को। और मिक्स करने के बाद देखिए, इस तरह से हमें एक लड्डू की तरह बॉल लेना है और उसे हाथ से बाइंड करना है, फिर बीच से थोड़ा प्रेस कर देंगे और साइड से इस तरह से रोल कर देंगे ताकि साइड वाले जो भी हिस्से हैं वो अच्छे से स्मूथ हो जाए और कोई भी इसमें क्रैक्स नहीं रहे। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। इन्हें मैं तैयार कर ली हूँ देखिए, और तैयार करने के बाद हमें इसे कोट करना है ब्रेड क्रम में। तो अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम का इस्तेमाल कीजिए, चाहे तो बची हुई रोटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है अभी तो आप बची हुई रोटियों को क्रश कर लीजिए तो ब्रेड क्रम बन जाएगा, यानी कि 7-8 घंटे पुरानी रोटी होनी चाहिए। तो ये है 2 ब्रेड स्लाइसेस के ब्रेड क्रम, मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया इन्हें। और इस तरह से हमें टिक्कियों को इसमें कोट करना है। कोट करने के लिए टिक्की को थोड़ा सा इसमें दबाइए, आराम से कोट हो जाता है। और रोल कर दीजिए साइड साइड से ताकि साइड वाले हिस्से में अच्छे से लग जाए। तो ये बनके तैयार है, देखिए एक कोटिंग मैंने कर ली है। आप चाहे तो मैदा और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें एक कोट लगाने के लिए, और उसके बाद फिर ब्रेड क्रम में डाल सकते हैं। लेकिन जब इसी तरह से काम बन जाता है तो मैदा और उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ये देखिए सारे हमने कोट कर लिए हैं, और अब इन्हें मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है और इसे हाई फ्लेम पर ही हमें डालना है। इस तरह से हमें डालना है देखिए, जैसे कि टूटे नहीं, इसलिए हमें इन्हें डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है। हाई फ्लेम पे डालेंगे और फिर मीडियम कर देंगे ऐड करने के बाद। अब मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें 2 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। दोनों ही साइड से 2-2 मिनट के लिए आप मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये गोल्डन कलर हो जाता है, और अगर आपका नहीं होता है तो आप और थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लीजिए। तो यह है 1 मिनट के बाद का सीन, देखिए पूरी तरह से ब्राउन नहीं हुआ है तो हम अभी इसे और फ्राई करेंगे। तो ये हो गए 4 मिनट, और देखिए इस तरह से हो गया है ब्राउन, बिल्कुल तैयार। अब इसके एक्सेस ऑयल को निकाल देना है, हमें ड्रेन करना है क्योंकि इसमें बहुत ऑयल एब्जॉर्ब होता है। इस तरह से साइड में हम करेंगे झांझरे से, तो इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाता है। और इसके बाद भी हम इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए टिश्यू पेपर पर ज़रूर रखेंगे ताकि इसके जो एक्सेस ऑयल है वो ज़रूर से निकल जाए। और इसी तरह से हमें सारे टिक्की को फ्राई कर लेना है, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, मुझे बस 15 मिनट लगे इन्हें बनाने में, और देखिए ये ऊपर से कितना ही क्रिस्पी लग रहा है और अंदर से तो सॉफ्ट है ही। मुझे बताने या तोड़ के दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अंदर से आलू है तो बहुत सॉफ्ट है ये। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया है। आप इसे इमली की चटनी के साथ खाइए, या केचप के साथ खाइए, या फिर हरी चटनी के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। इतना आसान है, सबको बहुत पसंद भी आता है और टेस्टी भी लगता है। तो आप इसे बनाइए
मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा, पसंद आया हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी लाइफ एंड ब्यूटीफुल लाइफ। बाय।